इतना बड़ा फ्रेंच फ्राइज क्या आपने पहले कभी ट्राई किया है? और इसे बनाना भी ना बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा छोटा चम्मच नमक। फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर अब हम इसको शेप दे देंगे। तो देखो, इसे शेप देने के लिए ना सबसे पहले तो हमें इसे रोटी की तरह बेल लेना है, लेकिन हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हम इसे हल्का सा मोटा रखना है। और अगर गोल नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे वैसे भी काटना ही है। तो देखो, मैंने इसे आजू बाजू से इस तरह से काट लिया है ताकि हम इसे फ्रेंच फ्राइज वाला अच्छा सा शेप दे सके। फिर जिस तरह फ्रेंच फ्राइज का शेप होता है उसी शेप में हम इसे काट कर अलग करते जाएंगे। फिर इसे काटने के बाद हम इसे गरम गरम तेल में डालते जाना है और गैस का फ्लेम हम एकदम तेज ही रखेंगे। तो देखो, तेल मैंने ऑलरेडी गरम करके रखा था, तो अब मैं इसे तेल में डालते जा रहा हूँ और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। हम एक बार में 3 से 4 ही फ्राई करेंगे और अच्छे से फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे।